अस्सलाम वालेकुम। आज लाई हूं मैं आप लोगों के लिए दानेदार चिकन कोरमे की बहुत ही आसान रेसिपी जो बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर उससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले एक बर्तन लेना है, बर्तन में 2 चम्मच भर के रिफाइंड ऑयल डाल देना है। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें थोड़े से खड़े मसाले ऐड करना है, जैसे कि 1 तेज़पत्ता है, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, 4 से 5 लौंग है, 3 हरी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, थोड़ा सा जावित्री है। मसालों को डाल के थोड़े सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लेना है, यानी कुछ सेकेंड्स के लिए। इसके बाद इसमें चिकन डाल देना है। तो 1/2 kg चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, धोने के बाद इसे तेल में डाल देना है। चिकन को डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक चिकन को तेल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए। दो से तीन मिनट जब हो जाए तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। तो 2 चम्मच भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसमें नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। इसके बाद 2 से 3 मिनट फिर से इसे अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसे अच्छी तरह से भूनते हुए, अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल भी ख़त्म हो गई है। अब चिकन में तली हुई प्याज डाल देना है। तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने तल लिया था, यानी इसका ब्रिस्ता तैयार कर लिया है। इसे पीस लेना है मिक्सर के जार में डाल के। यहाँ पे मैंने 1/2 किलो चिकन का कोरमा बनाया है, इसके लिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज को पीसा है। अगर आप 1 किलो बना रहे हैं चिकन, तो आप 4 मीडियम साइज़ की प्याज को तल लें, उसके बाद उसे पीस के इसमें डाल दें चिकन में। 3 से 4 चम्मच दही डालना है, दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। कुछ बेसिक से मसाले हैं, जैसे कि 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच ही धनिया पाउडर लेना है। इन सबको चिकन में डाल देना है। 4 से 5 काजू, 4 से 5 बादाम को पीस लेना है। पीस के इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। इस तरह से इसे भी चिकन में डाल देना है। मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो करना है और ढक के स्लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट पका लेना है, ताकि चिकन भी अच्छी तरह से पक जाए और ये मसाले भी अच्छी तरह से पक जाएं। तो 10 से 12 मिनट हो गए हैं, चिकन अच्छी तरह से पक गया है, तेल अलग हो गए हैं मसालों में से। तो बस 2 से 3 मिनट इन्हें भून लेना है। मसालों को भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास भर के पानी डाला है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखें। मिक्स कर लें इसे। मिक्स करने के बाद इसमें हरी मिर्च डाल देना है। तो 5 से 6 हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दी है, साबुत हरी मिर्च डाली है। आप चाहें तो बीच में से चीरा लगा के भी डाल सकते हैं। इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देना है। मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो करना है और ढक के 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पका लेना है। तो 5 मिनट हो गया है, ढक्कन को मैंने हटा लिया है। चिकन कोरमा बनके तैयार है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है।
गैस का फ्लेम बंद करना है और इसे निकाल लेना है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी अगली नई रेसिपी मिले आपको सबसे पहले, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रखिएगा अपना खूब सारा ख्याल, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।